गुलहरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाकर भाग रहे शातिर अपराधी विपिन सिंह को पुलिस मुठभेड़ में गोली लग गई थी। घायल अवस्था में उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया था, जहां गंभीर हालत में चिकित्सकों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया था। बुधवार को इलाज के दौरान ही शातिर अपराधी विपिन सिंह की मौत हो गई थी, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि मंगलवार की रात गुलहरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ में गोली मारकर भाग रहा अपराधी विपिन सिंह घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। एसपी नॉर्थ ने बताया कि विपिन सिंह के ऊपर महानगर के विभिन्न थानों में 21 मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने कहा, कल गुलहरिया थाना क्षेत्र में गंगवार हुआ था, क्या मामला? तो गुलहरिया थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई थी। गुलहरिया पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घेरेबंदी कर एक बदमाश को पकड़ लिया था। यह बदमाश विपिन सिंह था और पुलिस की गोली से घायल हुआ था। कल रात्र में बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। आज सुबह सूचना ये आई कि जो इसकी मृत्यु हो गई है। इसका अपराधी इतिहास जो है कुल 21 मुकदमे मिले हैं और ये जो है गंभीर अपराधी था। मुठभेड़ में और भी लोग थे, उसके बारे में जो है हमारा सर्च और ऑपरेशन चल रहा है, विदेश में जारी है। वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उनकी हालत आउट ऑफ डेंजर है, ठीक है।